हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की बिगड़ी तबियत, दिल्ली एम्स में कराया गया भर्ती, बीपी बढ़ने के कारण बिगड़ी तबियत। I don't think so. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No. I don't think so. No. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, definitely nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. राम राम, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। खबरों का रुख करेंगे लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं अंबाला, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैन जन आशीर्वाद रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की तबियत बिगड़ी है, ये जानकारी मिल रही है। दीपक बाबरिया को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है, तबियत बिगड़ने पर बीपी बढ़ने के कारण आपको बता दें कि उन्हें असहजता हुई है। डॉक्टरों की टीम इस वक्त फिलहाल जांच कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दीपक बाबरिया की तबियत बिगड़ी है, ये जानकारी मिल रही है। तो हरियाणा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की अचानक तबियत बिगड़ी है और बीपी बढ़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ है, ये भी जानकारी मिल रही है। ट्रीटमेंट के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी, फिलहाल इस वक्त उनकी जांच चल रही है। तो दीपक बाबरिया को डॉक्टर्स ने आराम करने की सलाह दी है, फिलहाल उन्हें आराम करने की जरूरत है, ये डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। उन्हें आराम करने की सलाह जो है वो दी जा रही है। बीपी बढ़ने के कारण उन्हें असहजता हुई है, तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की अचानक तबियत बिगड़ी, जिसके बाद दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें इन्फेक्शन हुआ है ये कहा है और ट्रीटमेंट के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन फिलहाल उन्हें पूरी तरह से आराम करने के लिए डॉक्टर ने सलाह दी है। तो आज ये जानकारी मिल रही है कि किसी बैठक में वो शामिल नहीं होंगे, चूंकि डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए कहा है। और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की तबीयत अचानक बिगड़ी है और तबीयत बिगड़ने की वजह ब्लड प्रेशर बताया जा रहा है, बीपी बढ़ने के कारण उन्हें असहजता हुई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों की दो लिस्ट जारी कर चुकी है, 41 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इन सबके बीच जो महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी की है, दीपक बाबरिया की है, ऐसे में दीपक बाबरिया की तबियत खराब हुई है, जिसकी वजह से ये जानकारी है कि आज किसी बैठक में भी वो शामिल नहीं हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लेट लतीफी भी अगर होती है तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त प्रदेश प्रभारी को साफ तौर पर रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा है।